एक बुक है, बुक का पेज नंबर 99 में मैं ये बुक आप लोगों को भेज दूंगा। आई थिंक मैंने दिया भी होगा ये बुक। बुक नंबर 199, बुक बुक का पेज नंबर 199 है। इसमें आपके वेरिएबल्स दिए हुए हैं, लिस्ट ऑफ द वेरिएबल्स। मतलब कि सबसे पहले हम इस बात को जानते हैं कि अगर हम कोई सब्जेक्ट डिफाइन करते हैं, और मैंने यहां पे किया डिम आर एज ए, मान लीजिए इंटीजर, व्हाई, क्यों किया हमने, क्या जरूरत क्या इसको आर, और आर ए डिम है क्या, आर है क्या, इंटीजर ही क्यों लिया हमने, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसकी जरूरत क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है। अभी इसकी जरूरत के बारे में बता दूं आपको कि मुझे 10 प्लस 10 20 करने हैं। तो एक्सेल पे हम 10 प्लस 10 20 करने के लिए क्या चाहिए होगा, एक लोकेशन चाहिए होगा, एक एड्रेस चाहिए होगा जहां पे हम 10 प्लस 10 कर सके, जहां पे रिजल्ट पॉपअप कर सके। उसी तरीके से अगर मुझे वीवीए में हम क्या लिखेंगे, सिर्फ 10 प्लस 10 कहां लिखेंगे, ये कहां स्टोर कर रहा है, ये स्टोर कर रहा है। तो कहीं 10 प्लस 10 जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगी, रिजल्ट कहीं पे स्टोर होने वाला जगह तो चाहिए। अगर हम वेरिएबल नहीं लेते, अगर इसको नहीं लेते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा रेंज A1, B1, C1 जो भी है, डॉट वैल्यू इक्वल टू 10 प्लस 10। हमें इस तरह से करना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम है कि A1 हमेशा मेरा खाली होगा, इसकी गारंटी तो नहीं है क्या। इसीलिए हम एक टेम्पररी लोकेशन क्रिएट करते हैं। जितने भी वेरिएबल्स हम डेटा टाइप बनाते हैं, वो सारे के सारे टेम्पररली लोकेशन क्रिएट होते हैं मेमोरी के अंदर में, जो कि मैक्रो रन होते समय वो क्रिएट होते हैं, अप्लाई होते हैं। जैसे मैक्रो क्लोज होता है, मैक्रो खत्म होता है, वो पूरे के पूरे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो जैसे कि हमने बोला डिम, डिम क्या मतलब होता है, डायमेंशन। डिम से कंप्यूटर को पता चलता है कि आगे कोई लोकेशन क्रिएट होने वाला है। फिर नाम, नाम जो कोई भी लिख सकते हो, आर लिख दो, एक्स लिख, वाई जेड लिख दो, जैसे हम मैथमेटिक्स में यूज करते थे कि एक्स इक्वल टू 100, सपोज एक्स इक्वल टू कुछ भी लिख मानते थे आप मैथमेटिक्स में, तो आर, आप आर की जगह पे जो नहीं कि सिंगल कैरेक्टर लो, मल्टीपल कैरेक्टर भी ले सकते हो आप, ठीक है। लेकिन हाँ, जो आपने यहाँ पे नाम लिख रखा है मैक्रो नाम, वो नाम नहीं देना है। या फिर आपने इसे पहले वेरिएबल बना रखे इस मैक्रो में, रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, और ऑलरेडी से कॉपी आर डिम कॉपी एज ए इंटीजर, तो कॉपी नहीं कर सकते क्योंकि कॉपी एक एक्शन है, तो ऐसी ये नहीं दे सकते आप। उसके बाद एज ए, एज ए डालते हैं आपको लिस्ट आ जाएगा कि क्या है एज ए, तो इंटीजर, और फिर आर नाम का लोकेशन क्रिएट होगा। जैसे हमने रेंज A1 डॉट वैल्यू इक्वल टू 10 प्लस 10 किया था ना, तो रेंज A1 जो है ना, सेम उसी तरह का एक स्टोरेज लोकेशन बन गया है। डायमेंशन है, इसका फुल फॉर्म डायमेंशन होता है, जिससे कंप्यूटर को ये मिलता है कि हाँ, सब्जेक्ट कैसा है, सब सपोज सब्जेक्ट एक सब एक मैक्रो क्रिएट करना है। उस तरह से डिम का मतलब हुआ कि इसको एक डेटा टाइप क्रिएट करना है। कोई भी डेटा टाइप लेते हो, डिम तो देना ही पड़ेगा आपको, स्टार्टिंग वर्ड है, ठीक है। तो R इक्वल टू 10 प्लस 10, तो 10 प्लस 10 बोल के 20 किस पे स्टोर हो जाएगा, R पे। R का मान क्या हो जाएगा, 20। अब मुझे 20 को कहीं रिफ्लेक्ट करवाना है, मैसेज बॉक्स में करवाना है, या किसी रेंज पे करवाना है, तो आप वहां पे R दे सकते हो। तो जब तक मैक्रो रनिंग है, तब तक आपका ये R पे 20 स्टोर होगा, ठीक है। जैसे एंड सबसे बाहर होगा, R भी गायब हो जाएगा, R की लोकेशन भी गायब हो जाएगी, R की वैल्यू भी गायब हो जाएगी, रेंज भी दे देगा, आउटपुट देके निकल जाएगा वो। तो ये समझ में आया कि हम वेरिएबल्स डिक्लेयर क्यों करते।
अपने मैक्रो के अंदर में एक टेम्पररी लोकेशन क्रिएट करने के लिए जहां पे अपने कैलकुलेशन और अपने डेटा को होल्ड करवा सके, डेटा को होल्ड करवा सके। अरविंद जी, हाँ अरविंद जी सर, आप ऑफलाइन हो? हाँ वो पिछली आप इस पे थे, टेलीफोन मोड पे थे, इसलिए आवाज नहीं आ रही। मैंने अभी कर दिया है इस मोड पे, ऑनलाइन मुझे आवाज आ जाएगी। ठीक है सर, ठीक है। अब बात आती है कि हमने इंटीजर ही क्यों लिया और इंटीजर होता क्या है, क्या इंटीजर के अलावा और कोई है? अब इस चीज को जानने की जरूरत होती है, हमने इंटीजर क्यों लिया। बेसिकली क्या है ना कि इसको बोलते हैं टाइप ऑफ स्टोरेज वैल्यू, कि आर नाम का जो लोकेशन क्रिएट हुआ है उस पे जो सेव होने वाली वैल्यू क्या है। तो इंटीजर का मतलब क्या हुआ कि एक इंटीजर वैल्यू होगी, इंट वैल्यू स्टोर होगी, जिसकी एक हर हर की एक कैपेसिटी होती है कि यहां से यहां तक स्टोर होगी, एक साइज होता है। तो वीवीएम मैक्रो में ये डेटा टाइप्स आपके हैं जिसके रेंज ऑफ वैल्यू माने कैपेसिटी है। अगर आप डीम आर एज ए बाइट करते हैं तो क्या होगा, आर के ऊपर आप 0 से लेकर 255 तक का वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, माइनस में नहीं कर सकते हो और साथ में डेसिमल में नहीं कर सकते। अगर डेसिमल करते भी हो तो ऑटोमेटिक वो डेसिमल रिमूव कर देगा। जैसे कि अब यहां पे अगर मैं 500 से ऊपर लिख दूं, अभी क्या एरर आएगा, एरर क्या आएगा, ओवरफ्लो। अगर आपका ओवरफ्लो का एरर आता है तो क्या मतलब हुआ कि आपने कि किसी वेरिएबल पे उसकी कैपेसिटी से ज्यादा स्टोर किया गया है। ठीक है, हाँ बाइट में सिर्फ नंबर लिख सकते हैं, वो भी नंबर। अब यहां देखिए कि मैं 25.36 लिखा है तो यहां पे सिर्फ आपका 25 लिखा होगा, 25, क्योंकि तो डेसिमल एक्सेप्ट नहीं करता है, उसने डेसिमल को रिमूव कर दिया। ठीक है, फिर आउट इसमें। उसके बाद यहां पे माइनस नहीं दे सकते हो आप, माइनस देने में भी आई थिंक एरर आएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास इंटीजर बुलेन है, बुलेन में ट्रू एंड फॉल्स दे सकते हो आप, सिर्फ 0 डाल दो, 0 1 डाल दो या फिर ट्रू फॉल्स डाल दो, दोनों सेम होते हैं यहाँ पे। ठीक है, इंटीजर, इंटीजर में आप -32,768 से +32,767 तक वैल्यू डाल सकते हो विदाउट डेसिमल प्लेसेस। अगर डेसिमल प्लेसेस में डालते हो तो ऑटोमेटिकली उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा वो। ठीक है, राउंड नहीं करेगा, नहीं करेगा राउंड। इंटीजर नहीं करता, लॉन्ग करता है राउंड। नहीं कर दिया, रख नहीं भी कर दिया, हर किस पे करता नहीं है, लेकिन लॉन्ग तो कर देता है, लॉन्ग तो हर जगह करता है। इसका तो मुझे कहीं पे करता था, कहीं पे नहीं करता था। ठीक है, उसके बाद आता है आपका लॉन्ग। जब आपकी इंटीजर से भी ज्यादा वैल्यू हो, 32,000 से भी ज्यादा वैल्यू हो, तो आप लॉन्ग लोगे। अगर लॉन्ग भी ओवरफ्लो दिखा रहा है तो सिंगल लेंगे। तो इन सबों में क्या है कि आप डेसिमल प्लेसेस को नहीं डाल सकते हो, तब क्या आता है आपका डबल। डबल के अंदर में आप डेसिमल प्लेसेस डाल सकते हो और उस सब इन सबों की इसकी कैपेसिटी भी इन सबों से ज्यादा है। अब क्वेश्चन ये उठता है तो फिर मैं बाइट सिंगल इंटीजर क्यों यूज करूं, हम डायरेक्ट डबल यूज करें तो क्या जरूरत है, मेरे पास तो 4 GB का रैम है, 1 TB का हार्ड डिस्क है, ये कुछ बाइट से क्या फर्क पड़ने वाला है। बेसिकली जैसे कि आपको मैंने बताया था, याद होगा आप लोगों को, कि इस सब्जेक्ट की मैक्सिमम साइज होती है 255 KB। अगर आपके 255 KB से आपका बढ़ जाता है तो आता है प्रोसीजर टू लार्ज का एरर।
है, प्रोसीजर टू लार्ज का ऑर्डर। अब उसमें आप डेटा टाइप डिफाइन करते हो, तो इसमें मान लो कि आपने बाइट ले, डबल डबल आपने 1000 बार ले रखा है, तो बढ़ गई इसकी साइज। हाँ स्प्लिट कर सकते हो। हाँ, ठीक है ना। तो बस बेसिकली डिपेंड करता है साइज पे, क्योंकि अगर आपके पास ज्यादा, अगर बहुत बड़ी मैक्रो लिख रहे हो, तो वहां पे अगर आपने ब्रेवल्स यूज करते हो तो वहां पे दिक्कत होता है। ठीक है, करेंसी वीवीए पे यूज नहीं होता है, वीवी पे यूज होता है, इसमें नहीं होता। करेंसी और डेसिमल दो यूज नहीं होते हैं, उसको इग्नोर करना। ठीक है, अब बारी आती है डेट। जैसे कि अगर मैंने यहां पे ड्यूम दी एज ए, मान लीजिए लॉन्ग ले लिया, उसके बाद अगर मैं डी पे कोई डेट डालूं तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, अगर अगर आप किसी रेंज से उठाओगे तो एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे कि डी इक्वल टू रेंज डॉट वैल्यू। और डी पे अगर मान लो आपने डेट लिख दिया, तो एक्सेप्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि ये डेट नहीं है, ये नंबर है। एक्सेल में जब डेट लिखते हैं तो नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप किसी अदर, जैसे कि इंटीजर में तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये 41,000 है, वो 32,000 की कैपेसिटी है। हाँ, लॉन्ग पे डेसिमल पे ले लेगा। तो लॉन्ग डेसिमल पे किसी सीट से आप डेट को कैच करवा सकते हो, लेकिन बीवी के अंदर में आप नहीं डाल सकते। इस प्रोग्राम में आप इस तरह से नहीं डाल सकते जो मैंने डाला है, क्योंकि फिर वो टेक्स्ट हो जाता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, लॉन्ग की जगह डेट लिखते हैं। तो डेट एंड टाइम को आप डाल सकते हो, फिर वो कन्वर्ट करके डेट में कन्वर्ट कर देता है, तभी तब आप इसको डाल सकते हो। और आपको अब ये जो है, अगर रेंज से उठाते थे, लॉन्ग पे है रेंज उठाया, तो डेट फॉर्मेट में नहीं आता, नंबर फॉर्मेट में आता। आप बाद में आपको कन्वर्ट करना पड़ता है, इसमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आपका डेट फॉर्मेट में ही आएगा। तो डेट एंड टाइम डालने के लिए आप क्या यूज करोगे, डेट। डेट के हेलो थ्रू सर, भी करवा सकते हो, लॉन्ग के थ्रू भी करवा सकते हो। हेलो सर, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर डेट अगर न्यूमेरिक फॉर्म में हो तो डेट कन्वर्ट कर लेता है ना। हाँ हेलो सर, हाँ मीत, हाँ मीत जी, अगर ये जो अभी आपने डाल रखा है इसमें ये एज अ टेक्स्ट बना हुआ है ना, ये अगर आप चलाओगे तो चलेगा ये? हाँ जरूर चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। देखो MSG बॉक्स डे डेट फॉर्मेट में आया ना। हाँ ठीक है, डेट हमने डाल, अगर हम अच्छा, इसी में, नहीं इसी में अगर अगर, लॉन्ग डालते ना, लॉन्ग, हाँ तो एक्सेप्ट नहीं करता। हाँ तो आता टाइप मिसमैच। टाइप मिसमैच का एरर कब हाँ आता है, जब आप जो वेरिएबल जिस डिक्लेयर किया है उस पर कोई गलत वैल्यू डालते हो। जैसे कि आपने इंटीजर पे टेक्स्ट डाल दिया, तो वहां पे आपको इस तरह टाइप मिसमैच का एरर आता है। ठीक है, तो लॉन्ग लॉन्ग या फिर अदर डबल वैल्यू किसके लिए होता है, जब आपका डेट एंड टाइम्स किसी एक्सेल से सेल से लेके आ रहे हो, तो वहां पे आप लॉन्ग भी चला सकते हो, लेकिन प्रॉपर आया कि आप डेट चलाओ। ठीक है, क्योंकि तो डेट फिर वो डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेता है अपने आप। बी पे इक्वल टू रेंज B1 ठीक है। अब यहां देखिए नंबर फॉर्मेट में है, लेकिन यहां पे शो डेट फॉर्मेट में हो रहा है, क्योंकि डेट है। अगर मैं यहां पे लॉन्ग कर दूं ना, तो
तो फिर जैसा नंबर वहां था वही नंबर में आएगा यहाँ पे। एक मिनट टाइप मिसमैच, ओ सॉरी यहाँ पे इसको एडिट कर देते ना, आया। चाहे आप एक्सेल फॉर्मेट में इसको डेट फॉर्मेट में क्यों नहीं कर दिया, टाइम क्या बोलते हैं डेट फॉर्मेट में कर दिया, फिर भी आपका ये जो शो करेगा वो नंबर फॉर्मेट में शो करेगा। तो ये चक्कर होता है लॉन्ग और डेट का, इसलिए हम डेट यूज करते हैं। ठीक है, तो डेट का फंडा समझ में आ गया। ऑब्जेक्ट अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट आपको अदर एप्लीकेशन हैंडलिंग में पढ़ाएगा। अब बारी आती है स्ट्रिंग। अगर कोई टेक्स्ट आपको डालना है या फिर कोई भी चीज डालना है लेकिन टेक्स्ट के अंदर, टेक्स्ट क्या होता है, टेक्स्ट ओनली फॉर अल्फाबेट नहीं है, नंबर भी है, ऐसे इनपुट्स जिसके मैथमेटिकल कैलकुलेशन ना किया जाए, चाहे नंबर भी हो सकता है और डेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में हम करते हैं यहां पे एज ए स्ट्रिंग। एज ए स्ट्रिंग किया, स्ट्रिंग की 10 बाइट की साइज होती है प्लस जो आप टेक्स्ट डालते हो उसकी लेंथ होता है, और 2 बिलियन कैरेक्टर ले सकता है। ठीक है, अब बड़ा प्रॉब्लम आता है कि सर इतना चीज याद कैसे रखें, किस पे क्या करना है। तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है, एज ए वेरिएंट। जैसे कि वी लुकअप में आप इनपुट दे रहे हो, अभी अब जरूरी थोड़ी है वी लुकअप का इनपुट आपका नंबर ही होगा या टेक्स्ट ही होगा, नंबर टेक्स्ट डेट टाइम कुछ भी हो सकता है। तो वी लुकअप जैसा कुछ बना रहे हो आप जिसकी इनपुट फिक्स नहीं है, इनपुट हर टाइम चेंज होता है, तो आप वेरिएंट डाल दो। वेरिएंट क्या करता है कि जैसा इनपुट होगा उसके अकॉर्डिंग डेटा टाइप ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। नुकसान हो गया कि इसकी साइज अच्छा है, 116 बाइट लेता है नंबर में, नंबर में अगर आप डेट डेट है नंबर में, अगर आपका कैरेक्टर डाला तो 22 बाइट प्लस जो इसकी स्ट्रिंग के साइज है। ठीक है, तो वेरिएंट, और वेरिएंट लिखने के लिए डिफाइन करने की भी जरूरत नहीं है, मोस्टली जगहों पे नहीं होता है, कहीं कहीं पे फंक्शन वगैरह पे हमको डिफाइन करना पड़ता है, डायरेक्ट लिख सकते हो आप। वेरिएंट है, डी नाम का लोकेशन क्रिएट हो गया है, हाँ ऑटोमेटिक बराबर। ले लिया। देखिए क्या होता है कि एक्सेल में आपको जैसे हमने यहां पे डी टाइप कर दिया, तो अगर एंटर मारते हैं तो नहीं मारा है, क्यों, क्योंकि वो डी नाम का फॉर्मूला ढूंढ रहा है, उसको नहीं मिला इसे एरर दे दिया। उधर से वीवीए में अगर आप कोई भी कोड को विदाउट, कोई भी टेक्स्ट को विदाउट इनवर्टेड कॉमा लिख देते हो तो उसको क्या मानता है, कोई कोड मानता है। अगर कोई कोड हुआ तो ठीक है, अगर कोई कोड सिंटैक्स नहीं हुआ तो उसको वेरिएबल मान लेता है। ऐसे आएगा 120 आएगा, फॉर्मेट याद होगा ना, फॉर्मेट फॉर्मूला बताया था आपको मैंने। ठीक है, अब कुछ इसकी इंप्लीमेंटेशन आपको बता देता हूं, बुक में दिया हुआ है किस तरह से इंप्लीमेंट करोगे। जैसे यहां पे देखो, हम इस तरह से भी ये लिख सकते हैं, वन लाइन इसको बोलते हैं कि x इक्वल टू 1 कॉलन y इक्वल टू 2 कॉलन z इक्वल टू 3 कॉलन मैसेज बॉक्स, यहीं पे हमने रिप्लाई भी करवा दिया। हम जानते हैं कि वीवी सिंगल लाइन पर लाइन ऑब्जेक्ट फैसिलिटी को प्रोवाइड करती है, तो इसमें एक काम के लिए एक ही लाइन होना चाहिए, लेकिन इसमें हम डबल लाइन कर सकते हैं सेमी कॉलन लगा के, या साइन भी कर लेगा और साथ में रिफेक्ट भी कर देगा, कैलकुलेशन भी कर रहा है। तो इस तरह से लिखो, अगर इस तरह से नहीं याद होता है तो इस तरह से भी लिख सकते हो आप। ठीक है,
कोई डाउट? हाँ ठीक है, तो कहने से कि तरीका ए भी है ब्रेवल पे वैल्यू असाइन करने का और तरीका ए भी है ब्रेवल पे वैल्यू असाइन करने का, दोनों तरीके से आप अपना यूज कर सकते हो, जो तरीका आपको बेस्ट लगता है वो तरीका आप यूज करो। ठीक है, अब चलिए कुछ माने कि जैनमान प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ये तो छोटी मोटी चीजें थी क्या कुछ जैनमान, तो चलिए जनरल प्रॉब्लम में ये करते हैं कि हम एक इंटरेस्ट का मैक बनाते हैं कि जैसे रन करे मुझसे टाइम प्रिंसिपल टाइम डेट पूछे, रेट रेट टाइम प्रिंसिपल पूछे और फिर वो अपने आप को कन्वर्ट कर ले। ठीक है, मैसेज बॉक्स में रिप्लाई करें सब्जेक्ट, सिंपल सिंपल इंटरेस्ट बना दें। ठीक है, अब मुझे इनपुट लेने तो वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे, तो सबसे पहले मुझे लेना है प्रिंसिपल, तो डिम आर एज ए लॉन्ग कर देते हैं, बड़ा अमाउंट हो सकता है, यहां पे करते हैं डिम सॉरी आर प्रिंसिपल के लिए पी कर देते ना, सही रहेगा समझ में आएगा, पी इक्वल टू, अब पी हमें यूजर यूजर देना चाहता है तो इसके लिए इनपुट बॉक्स लगा देते हैं कि इनपुट बॉक्स ठीक है, फिर करते हैं डिम रेट आर एज ए, अब रेट डेसिमल प्लेसेस में होता है तो क्या करोगे डेसिमल सॉरी डबल। ठीक है, आर इक्वल टू अगेन इनपुट बॉक्स, इसी कॉपी कर लेते ना, अगेन डिम वाला हो जाए मेरा हो जाए टी एज ए, अब टाइम हम तो जानते हैं कि देश में प्लेस नहीं होगा और 255 से ज्यादा तो नहीं होगा, तो बाइट कर लो, तो क्या रखोगे डिसाइड ऐसे कर सकते कि इनपुट आने वाला क्या हो सकता है, यहां पे हमने लॉन्ग इसी रखा कि 50,000 60,000 70,000 होगा, डबल इसे रखा कि डेसिमल प्लेसेस में पॉइंट्स में आएगा परसेंटेज होगा, तो टाइम में हमने देखा कि भाई टाइम तो भाई 255,000 थोड़ी होगा, अब है तो फिर इंटीजर ले लो, माइनस में तो हो नहीं सकता इसलिए हमने बाइट लिया, टी इक्वल टू सेम ही करते हैं यहाँ पे, ठीक है, अब हमने इनपुट ले लिया, हमने इनपुट्स मिल गया हमें, तो आप इस तरह से एक एक करके कर सकते हो या आप इकट्ठा ऊपर भी कर सकते हो वेरिएबिलिटी के लिए इस तरीके से, तो इकट्ठा कब करोगे जब तुम्हें पता होगा कि मुझे तीन वेरिएबल चाहिए इसी टाइप के, अगर कभी भी कंफ्यूजन होती है कि भाई तीन लेंगे चार लेंगे क्या लेंगे, तो हम इस तरह से जैसे रिक्वायरमेंट पड़ती जाती है हम डिफाइन करते चले जाते हैं, लेकिन जब इंटरनेट पर सर्च करते हो तो आपको सारे वेरिएबल्स एक जगह डिफाइन मिलते हैं, तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, जरूरी नहीं है कि एक जगह ही सबसे ऊपर ही डिफाइन करो, लेकिन हाँ जहां जरूरत है उससे ऊपर डिफाइन करना, उसके नीचे नहीं, अब ऐसा नहीं है कि आप प्रिंसिपल के नीचे आप पी को डिफाइन करो, तो आपका ए वर्क करेगा, ए आपका वर्क करेगा, ए वर्क नहीं करेगा, ए डुप्लीकेट बताएगा क्योंकि ये पहले डिफाइन हो चुका है, हाँ वेरिएंट इसने ले लिया, देन बोलेगा कि भाई ऑलरेडी डिफाइन है पी, हाँ हर जगह नहीं लेता है, फंक्शन वगैरह में दिक्कत होती है इसलिए हैवी ड्रग को डिफाइन करने का, ठीक है ना, मैक्रो वगैरह में तो कोई खास दिक्कत नहीं होती है, क्लियर है, अब इस पे हम कैलकुलेशन करते हैं, अब एक और वेरिएबल लेना है, अब मुझे कहाँ करना है मैसेज बॉक्स में देना है, तो MSG बॉक्स हम इसी के अंदर डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, पी मल्टीप्लाई बाई आर मल्टीप्लाई बाई टी,
अब इसको ब्राइकर में रख लोगे तो सही रहेगा, बोर्ड मास्क मेथड फॉलो हो जाएगा। अरे जैसे रन हुआ मुझे पूछता है, मैंने बोला 50,000, रेट मैंने लिखा 20%। अब यहाँ पे आया, परसेंट का सिंबल नहीं लेता एक्सेल में, ठीक है ना, वीवी में परसेंट का सिंबल नहीं होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे हम, इसके लिए यूज करेंगे हम आर इक्वल टू आर डिवाइड बाई 100, और फिर यहां पे हम 20 लिखेंगे। अब 5 साल है, नहीं नहीं करना पड़ता, ईयरली होता है ना, तो तो 50,000 यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे 50,000 डाला, ठीक है, 5,000 है, इसमें मैंने 20% डाला और 5 साल डाला, 5,000 ही आ रहा है। ऊपर नहीं कर दिया हमने डिवाइड बाय 100, यहाँ पे डिवाइड बाय 100 नहीं किया हमने, ये 5,000 ही दिखा रहा है। क्या सर आई का वेरिएबल डिफाइन नहीं किया? तार्स तो 100 डिवाइड कौन सा होता है, परसेंट वाला ही तो होता है, तो बात हुई एक को डिवाइड करो चाहे सबको डिवाइड करो, बात तो ही होता है। देखो 5,000 20% डिवाइड 100 हो गया, एंड 5 साल, इसको मल्टीप्लाई करो, 5,000 ही आते हैं। क्यों डिवाइड 100 होगा, ये डिवाइड 100 नहीं हो गया, यहाँ डिवाइड 100 नहीं हुआ, देखो टाइम पीरियड था 5 साल में जितना उतना ही होगा, 20% के हिसाब से ऐसा आ रहा था वो 5 साल करो 7,000 ही आएगा, 20% के हिसाब से कोई भी अमाउंट डालोगे उतना ही अमाउंट जाएगा, जैसा होता नहीं कि 8.5 साल में डबल हो जाएगा, तो 5 साल में डबल हो रहा है। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम डालेगा ना तो फिर भी जाएगा, ठीक है, सही है, हम इनपुट की गलत डाल रहे थे, 5,000 दिया हमने, 9% परसेंट नहीं देना है, 300, ठीक है, 1,350। अब 1,350 हमारा ये आया, तो इसमें कुछ और करना है हमें, यहां पे लिखते हैं पी इक्वल टू पी, ठीक है, कॉमा, ठीक है, और आई इक्वल टू कॉन्कनेट कर रहे हैं, पी प्लस आई, क्यों रेट बिट कर लिया, हम तो ये देना चाहते हैं ना,
हम प्रिंसिपल और इंटरेस्ट फिर टोटल दिखाना चाहते हैं ना, कि प्रिंसिपल इतना है, इंटरेस्ट इतना हुआ और टोटल इतना हुआ, प्लस हो गया दोनों का। इसके मैंने 5,000 दिया 9% के इंटरेस्ट रेट से 6 साल में, 5,000 था इंटरेस्ट, 2,700 रुपया हुआ, टोटल 7,700 रुपया हुआ। ठीक है, इस तरह की चीजें कर सकते हैं। हाँ, अगर सेव करना है तो फिर आई को जहां पे स्टोर करवाना चाहते हो करवा लो, रेंज पे, वैल्यू पे, जहां भी करवाना चाहते हो। ठीक है, अब हम ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। अब इसमें वेरिएबल्स सेम ले लेते हैं, ये तो सेम रहेगा ना, जस्ट कैलकुलेशन अलग होगी ना। तो इसमें आ जाएगा आई इक्वल टू, आई यहां से अमाउंट होता है ना, अमाउंट इक्वल टू पी एम टी पीएमटी सपोर्ट कर रहा है रेट एज ए डबल। तो रेट क्या था, डिवाइड बाय 100 था, डिवाइड बाय 12 था, 12 महीने होते हैं ना इंटरवल, एनपीआर टाइम मल्टीप्लाई बाय 12, पीवी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, पी है हमारा, पीएमटी हमें तो अमाउंट निकालना है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ना, ये तो ईएमआई निकालेगा ना, तो पीवी होगा ना, एफ बी होगा ना, फ्यूचर वैल्यू। कर रहा है फाइनेंशियल फॉर्मूले सारे सपोर्ट करते हैं, मतलब कि मोस्टली करते हैं, जो हमने आपको पढ़ाया था सारा करता है। रेट आर डिवाइड बाई आर डिवाइड बाई 12, फिर आता है टी मल्टीप्लाई बाई 12, उसके बाद पी एम टी 0 है, पी भी हमारे आ जाएगा पी, और कुछ नहीं। अब इस ए आएगा किसमें, माइनस में, देख लेते हैं, माइनस में आता है ना फाइनेंशियल फॉर्मूले का रिजल्ट। हाँ, इसमें अब इसको राउंड करना है और प्लस में करना है, तो एवी हमें एक्सेल में क्या करता था, माइनस को प्लस में करने का क्या तरीका था, दो तरीके हैं, एक तो इसको माइनस में माइनस लिख के सिलेक्ट कर लो, प्लस में हो जाएगा, तो आप यहां भी कर सकते हो सेम, इसको फाइनेंशियल फॉर्मूला का रिजल्ट माइनस भी तो आता है, प्लस में आ गया। या दूसरा तरीका क्या था कि हम एबीएस का फॉर्मूला लगाते थे, एब्सोल्यूट वैल्यू, तो यहां भी एबीएस सपोर्ट करता है, तो एक्सेल फॉर्मूले जहां सपोर्ट करते हैं, लिख के देखो सपोर्ट, ब्रैकेट देते हैं नीचे, एक्सप्रेशन आ गया तो सपोर्ट करता है। सपोर्ट कर रहा है, अब इसको कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल रिमूव करना है, तो राउंड अप राउंड अप राउंड का फॉर्मूला था, उससे पहले एक इंट का भी तो फॉर्मूला था हमारे पास, तो यहां पे इंट कर दो, या फिर इंट नहीं करना चाहते हैं तो एक और है हमारे पास जुगा, कि डिम आर सॉरी आर नहीं अमाउंट एज ए लॉन्ग, ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गया। राउंड अप करते हैं, राउंड राउंड नहीं, राउंड अप राउंड, ऊपर नीचे होता है ना, पता पता जो सेम दिखा, हाँ राउंड करता है। ठीक है, और मैसेज बॉक्स में कुछ और लिखना चाहते हो तो और भी लिख सकते हो,
जैसे कि P, ठीक है, I equal to amount माइनस P, क्योंकि अमाउंट टोटल आता है ना। ये क्या था? टोटल ये है ना। इस तरह से मैसेज बॉक्स में आप कैलकुलेट कैलकुलेट करके, अब यहां पे कैलकुलेट करना आपको दिक्कत हो रहा है तो आप क्या करोगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर करोगे कि डिम एम एज ए क्या क्या डालें। मैं ये मैसेज बॉक्स काफी लंबा हो रहा है ना, तो मैं एक वेरिएबल देख के फिर स्ट्रिंग आएगा, और फिर मैं यहाँ पे एम इक्वल इसको कट कर लेते ना। एम इक्वल टू अब इसमें एक चीज और करना था मुझे इस मैसेज बॉक्स के अंदर में, कहाँ इंटीजर, कैसे इंटीजर है, ओवरफ्लो हो रहा है। एक मिनट, नहीं नहीं इसमें दिक्कत है। माउंट एज लॉन्ग उसका मतलब नहीं, एक मिनट नहीं नहीं मैंने कुछ गलत डाल दिया, कुछ मैं टेक्स्ट बुक्स डाल दिया लग रहा है। 85 200 9 ईयर 1% और 5 ईयर। हाँ सही, ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, टेक्स्ट है। हाँ तुम कौन सा इंटीजर बोल रहे थे? हमने आपको बताया कि स्ट्रिंग पे हम कुछ भी डाल सकते हैं, एवरीथिंग टेक्स्ट फॉर्मेट में, एक्सेल के अंदर में हम टेक्स्ट फॉर्मेट कुछ भी टाइप कर सकते हैं ना, सेम यहां भी कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ अमाउंट टोटल आता है ना, पीवी में टोटल आता है ना, तो हमें इंटरेस्ट निकालने के लिए प्रिंसिपल माइनस करना पड़ेगा ना। तो कैलकुलेशन यहाँ हो रहा है ना, स्ट्रिंग तो एम है ना हमारा, स्ट्रिंग क्या एम है ना, जब तक ये कैलकुलेट नहीं होगा तब तक ये स्टोर नहीं होगा ना, तो स्टोर होते समय देखेगा ना कि भाई क्या है, कैलकुलेशन तो पहले करेगा। आपने लिख दिया ऐसे, मान लो कि आपने स्ट्रिंग दे दिया, स्ट्रिंग के सामने लिख दिया 10 प्लस 20, 10 प्लस 20 तो करेगा, जब वो 10 प्लस 20 को स्टोर करने जाएगा तो एरर आएगा। ठीक है, तो यहां भी कैलकुलेशन हो सकती है, हुई है, रिजल्ट आया। अब इसमें क्या है कि हमें ये जो चीजें जो है ना, जो इनपुट हमने किया ना, उसको बारी बारी से दिखाना चाहते हैं, लाइन बाय लाइन। तो यहां पे करते हैं m इक्वल टू, m पे जो वैल्यू है उसमें हम कॉन्कैटेनेट करना चाहते हैं vv न्यू लाइन। ठीक है, और फिर m इक्वल टू m को साथ कॉन्कनेट करते हैं हम किसको, p इक्वल टू np, n vv
न्यू लाइन। पी की जगह हो जाएगा टी आर, हो जाएगा आगे आर, यहां हो जाएगा टी, यहां पे न्यू लाइन करने की जरूरत नहीं है, लास्ट है ना। अब इससे क्या फायदा पड़ेगा देखो, ठीक है। अब देखो ये लाइन एक ही लाइन है, अब चाहते दो लाइन में ब्रेक हो तो स्पेस है, तो क्या करो यहां पे एक और लाइन दे दो, ठीक है। और अब यहां पे 0.1 समझ में नहीं आ रहा है, परसेंटेज होना चाहिए था ना, 0.1 समझ में आ रहा ना, परसेंटेज होना चाहिए था। हाँ तो यहां पे जहां पे हमने किया ना एम, इसी पे मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, और इसमें एन लगा के परसेंटेज, ठीक है। ठीक है, वो बाद में, अभी अभी उसके लायक एलिजिबल नहीं हो, उसके लिए तुम्हें कंडीशन सीखना पड़ेगा, कंडीशन सीखना पड़ेगा ना, तो कंडीशन ही सीखोगे, जैसे यस नो हुआ, ओके कैंसिल हुआ है, तो उसके लिए अब ओके पे क्या ओके आया तो क्या प्रेजेंट करे थे, कंडीशन इफ कंडीशन सीखने पड़ेंगे, केस सीखने पड़ेंगे, तभी तो होगा ना, ठीक है। तो हो गया, अब हम चलते हैं एमआरपी की तरफ। आपको याद होगा जब मैंने आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन पढ़ाया था नॉर्मल एक्सेल में आपने पढ़ा था, आप लोग तो नहीं पढ़े होंगे अमित जी और अरविंद जी, आप लोगों ने पढ़ा था मैथमेटिकल कैलकुलेशन, तो आपको मैंने एक इंसेंटिव इसका एमआरपी का फॉर्मूला बताया था, याद होगा एमआरपी कैलकुलेशन, प्रोडक्ट है 10% 5% तो मार दूंगा नहीं, तो कभी नहीं होता है। जैसे एक कोई प्रोडक्ट है जिसकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है मान लो कि 50 रुपए, डिस्ट्रीब्यूटर उसको 5% की कमीशन पे लेता है, फिर 10% की कमीशन पे होलसेलर लेता है, 15% की कंडीशन पे आया यार, तो 20% की कमीशन पे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में तुम थे जो मैं मुझसे बुक मांग रहे थे वो वाला, नहीं सर उसकी तो स्नैपशॉट में लेके गया था। हाँ ठीक है, इस पे मुझे फाइनल चाहिए था, आपको याद होगा कि मैंने तकरीबन 10 या 12 लाइन की फॉर्मूले बनाई थी, लंबा फॉर्मूला बनाता बना ही देता हूँ, चलो यार क्या दिक्कत है, मल्टीप्लाई बाई 5% प्लस, ठीक है। फिर यहाँ हुआ ए 52 का 10% निकलेगा, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटर खरीद रहा है वो 10% ले रहा है उसकी खरीद पे, नहीं होगा 1/1 है, रिजल्ट के ऊपर है, गलत नहीं है कुछ कुछ तो गलत। अब इसको ठीक है, फाइनल 79 हुआ, तो इसको एक सीट में मर्ज करने के लिए हमने क्या सिखाया था आपको, ये इसको 5% 10% 15% और यहां पे 20%, इसको रिपीट कर सकते हैं हम। अब इसको कॉपी करें और यहां पे क्या है P6, इसके जगह पे ब्रैकेट ओपन किया, इसमें कर्सर लेके बीच में लेके गया और पेस्ट कर दिया,
इसको डिलीट कर सकता हूं मैं, इसको कॉपी किया और B7 है, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसका जगह कर्सर लेके गया एंड पेस्ट कर दिया, और यहां भी है B7। कर दिया, इसको डिलीट कर सकता हूं मैं, और रिजल्ट भी देखते हो, रिजल्ट चेंज ना हो। फॉर्मूला मर्जिंग बोलते हैं इसको, वन फॉर्मूला को मर्ज कर सकते हो दूसरे फॉर्मूला में। ठीक है, धीरे धीरे फॉर्मूला आपका बड़ा होता चला जाएगा। इतना लंबा फॉर्मूला हम कट करना होता है, अब इतना लंबा फॉर्मूला लिखवाना मुश्किल है क्या? मुश्किल है ना, तो कैसे लिखोगे? तो इसके लिए वीवीए में सिंपल स्टेप है, ये कहते कॉस्ट सी एज ए, हमने बोल दिया लॉन्ग। ठीक है, फिर यहां पे कहते हैं सी इक्वल टू इनपुट बॉक्स एंटर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, और फिर यहां पे एक और करते हैं डिम आर सॉरी एम आर पी एज ए डबल। ठीक है, फिर करते हैं एम आर पी इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाय सॉरी सी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय 0.05। जानते हैं परसेंटेज नहीं दे सकते, तो 5% को हमने डिवाइड बाय 100 कर दिया। फिर नेक्स्ट करते हैं एम आर पी इक्वल टू देन एम आर पी इक्वल टू सॉरी प्लस एम आर पी का 0.10। ठीक है, अब इसको कॉपी कर लो टेस्ट, यहां 15% हो जाएगा 20%, और फिर यहां पे एम एस जी बॉक्स द एम आर पी इज एंड एम आर पी। अब यहां पे मैंने कॉस्ट रखा 50, 9.695 आ गया। तो ये वीवीए होता है, जो कैलकुलेशन आपको एक्सेल में इतना लेंदी हो रहा है और कैसे कर सकते हो। अब बात तो आती है सही, तो माइक्रो इनपुट लेके बार बार करना पड़ेगा, लेकिन मुझे तो फंक्शन लगाने बहुत सारे एमआरपी है तो उसके लिए चाहिए, तो ये तो मुश्किल हो जाएगा। तो उस केस में भी हम इसका यूज कर सकते हैं, कैसे करेंगे हम यहां पे फॉर्मूला बना देते हैं इसको। कैसे बनाएंगे फॉर्मूला? यहां पे लिखा है फंक्शन
एमआरपी, एमआरपी नाम का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे एमआरपी वन, एमआरपी देखिए एमआरपी नाम का फंक्शन बन चुका है, रिपीटेशन नहीं कर सकते हम, याद रखिएगा एमआरपी। अब इसके इनपुट डिफाइन करते हैं, तो सी एज ए क्या था लॉन्ग, ये इनपुट होता है, जैसे हम इफ लगाते हैं ना, इफ में कितने इनपुट है, तीन है ना, जिसने इफ बनाया होगा उसमें से तीन वेरिएबल दिया होगा, लॉजिक टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू, वैल्यू फॉल्स। तो हमने यहां पे एक दिया सी, ठीक है, उसके बाद ये पूरा ले लो, जरूरत नहीं है, हो गया ना, एमआरपी यहां लिखा हुआ था, हमारे ये पता कर रहा है कैलकुलेशन, ठीक है। सर एक बार ये दोबारा बताएंगे, ये आपने फंक्शन, हेलो हाँ सर, ये फंक्शन एमआरपी दोबारा, मतलब हमने कैसे बनाया है ये एमआरपी, हमने ऊपर एक अपना एमआरपी प्रोसीजर नाम बनाया का, था, फिर उसके बाद फंक्शन। एमआरपी नाम का हमने फॉर्मूला बनाया, आप देखोगे कि एक्सेल सीट में आपके पास एमआरपी नाम का फॉर्मूला आ गया, ठीक है ना, एमआरपी नाम का फॉर्मूला आ गया। हमने यहाँ पे इसलिए चेंज कर दिया ना, क्योंकि ये फंक्शन नेम और मैक्रो नेम एक नहीं हो सकते, तो इसलिए मैंने इसका नेम चेंज कर दिया, तो एमआरपी नाम का एक फंक्शन हो गया जिसका इनपुट एक है लॉन्ग, सी नाम का एक इनपुट होगा जो तो कि लॉन्ग होगा, मतलब कि हमने एमआरपी लिखा, एमआरपी में जो हमने B3 सिलेक्ट किया है, B3 की जो वैल्यू होगी वो सी पे स्टोर होगी, ठीक नहीं, है। एमआरपी का फॉर्मूला इसमें इनबिल्ट है क्या, मतलब नहीं नहीं एक्सेल में मैंने खुद पहले से ही क्रिएट था, किए, यार कहाँ पे कुछ भी लिख ऊपर सकते हैं कैसे दिख एमआरपी की रहा जगह पे, यार यहां पे मैं ही लिख देता हूँ, एम कॉस लिख देता हूँ, ओके। अब यहां पे एक, लेकिन इसके लिए आप फिर यहां पे डिम एम आर पी एज ए डबल लेना पड़ेगा आपको, ठीक है, उसके बाद हम यहां पे देते हैं एम कॉस्ट एज ए, सॉरी एम कॉस्ट इक्वल टू एम आर पी, यहां पे एम कॉस्ट नाम का आ गया, हाँ, एम आर पी नहीं है, देखो इक्वल एम आर पी आ रहा है कहीं पर, तो आपके खुद के फॉर्मूले बना सकते हो। तो फॉर्मूला बनाने का तरीका क्या है कि फंक्शन लिखो, फॉर्मूले का नाम, फॉर्मूले का नाम ऐसा देना जो कि फॉर्मूला नाम हो ना, या कोई मैक्रो नेम ना हो, ठीक है। उसके बाद उसके इनपुट डिफाइन करो कि इसमें आप इनपुट क्या लोगे, इनपुट का टाइप क्या होगा, यहां पे देना जरूरी है, यहां पे आप नहीं ले सकते हो डायरेक्ट, सिर्फ सी नहीं लिख सकते हो आप, यहां पे आपको वेरिएबल्स देना जरूरी है, बिना वेरिएबल्स का काम नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो सी एज ए हमने कर दिया लॉन्ग, हाँ तो उसके फंक्शन काम करेगा, सर, तो फिर हमने इसमें इनपुट अंदर मतलब सी एज लॉन्ग लिया, फिर बाहर हमने एक और वेरिएबल डिफाइन कराया एमआरपी एज डबल, ये बाहर क्यों लिखा फिर हमने? तो बेसिकली हमें एमआरपी कैलकुलेशन कहाँ करेंगे, अच्छा जैसे हमने यहां पे कैलकुलेशन के लिए चाहिए ना कि स्टोरेज पॉइंट, सी को मल्टीप्लाई करके कहाँ स्टोर करेगा अच्छा क्या, तो मतलब सी को पहले, वो सी उसका बेसिक इनपुट है और फिर उसको स्टोर कर रहा है एमआरपी में, तो एमआरपी इसलिए हाँ हमने डिम सी ये बाहर तो रखा है और बेसिक है ना, सी तो अंदर। 50 होगा इसमें, जो भी आप लालोगे वो रहेगा, 50, 100, 25 कॉस्ट रहेगा। अब कॉस्ट का पहला स्टेज ठीक हुआ, किसने क्या किया कि 5% निकाल के उसमें प्लस कर दिया, मान लो 100 100 दिया हमने, तो 105 हुआ, तो एमआरपी पे 105 स्टोर हो गया। नेक्स्ट क्या करेगा कि 105 का 10% निकालेगा, फिर एमआरपी पे स्टोर करेगा, ऐसे ओवरराइड करते चला जाता है ना, कि एक कैलकुलेशन इसको ओवरराइड करेगी, नेक्स्ट में एक कैलकुलेशन इसको ओवरराइड करेगी, तो अगली जो एमआरपी की वैल्यू चेंज हो जाती है, जैसे कि यहाँ यहाँ पे एमआरपी की वैल्यू 0 है, तो इसने यहाँ पे चेंज कर दिया मान लो 105 से, तो यहाँ पे जो हुआ अब इसकी वैल्यू 105 है, आप इसको अगर रन करोगे पता चल जाएगा आपको, लास्ट में अगर आपका फाइनल हो जाता है तो लास्ट में जो फॉर्मूले का नेम होता है
उस फॉर्मूले नेम नेम पे उसको असाइन करना होता है। ये होता है डिक्लेरेशन, कैलकुलेशन एंड असाइन। तीन पार्ट होते हैं फंक्शंस के। पहला होता है फंक्शन डिक्लेयर करो, देन कैलकुलेट करो जो भी कैलकुलेशंस करनी है, देन लास्ट में असाइन करो। ठीक है, अगर मैंने एमआरपी नाम का फॉर्मूला बनाया होता, ठीक है ना, तो मुझे इस एमआरपी देने की जरूरत नहीं होती, इसको करने की जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट असाइन कर रहे हैं, क्योंकि एमआरपी भी एक तरह का है, वेरिएबल ही है, वेरिएंट वेरिएबल। आप चाहो तो इसको डिफाइन भी कर सकते हो एज ए डबल। ऐसे प्रॉब्लम आ गया, अगर डबल की जगह अगर टेक्स वगैरह इनपुट हुआ, आउटपुट हुआ, तो एरर आ जाएगा फिर। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम करता है, इसलिए यहां पे देना जरूरी नहीं है, दे सकते हो, देना जरूरी नहीं है, नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट वेरिएंट हो जाता है। तो फंक्शन समझ में आ गया, कोई डाउट इसमें? पूरे एक्सेल में वर्क कर सकते हो, जिस एक्सेल में बनाया है उस एक्सेल पे। किसी और एक्सेल पे वर्क करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? एडिन बनाना पड़ेगा, पब्लिक करना होगा। क्या क्या करना पड़ेगा सर? एडिन बना के इंस्टॉल करना पड़ेगा। अच्छा, फिर उसको डबल क्लिक करके चेक कर, चेंज कर सकते हो। तो जो उसको डबल क्लिक करो, एरिन को डबल क्लिक करोगे, कुकर से खुल जाएगा वो, खुलते उसके बीवी में जाओ, कोडिंग दी जाए, कोडिंग में चेंज करके सेव कर दो उसको। हाँ, कुछ पूछ रहे थे आप लोग, अमित जी और बिन जी? नहीं सर, मैं सिर्फ ये मैं अभी ज्यादा डाउट पूछ नहीं सकता। ओके, एडिंस बना के हम क्या होता है कि जब भी हम कोई मैक्रो डिक बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं, जिस फाइल में बनाते हैं उसी फाइल में वर्क करता है, अनदर फाइल में वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो मैं आपको आगे जो पढ़ाऊं उससे पहले मुझे फंक्शन या फिर मैक्रो कुछ भी बनाओ, 10 कैलकुलेशन करके मुझे दो इसी मेथड पे। ए कोडिंग में आपको अभी 10 भेज रहा हूं आपके मेल आईडी पे, अभी 10 मिल जाएगा आपको। इस कोड के बिहाव पे आप मुझे 10 मैक्रो अभी बना के दीजिए। हाँ, अभी एक आपकी अमित जी मेल आईडी क्या है? अमित, ये नीचे, हाँ ये है ना, AMIKJ। हाँ हाँ जी, आपको भी कर रहे हैं।